हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद करता हूँ हम लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए, इस वीकली करंट अफेयर सेशन में हम आपका हफ्ते भर में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज रही है वो सब हम यहाँ कवर करने वाले हैं। यानी एक हफ्ते की, दो हफ्ते की, तीन हफ्ते की, चार हफ्ते की, एक महीने करंट अफेयर आपका इस वीडियो से बहुत सही से कवर हो जाएगा। यानी यहाँ आपको सिर्फ हम इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड कवर कराएंगे ताकि आप अपने डेली बेसिस पे करंट अफेयर जहां से भी कवर कर रहे हो उसका आपको हफ्ते भर के अंदर एक रिविजन देखने के लिए मिले। देखिए, एक लेंथी वीडियो होने वाली है। यहाँ पे हम काफ़ी डेप्थ में डिस्कशन करने वाले हैं हर चीज़ में। वो मैं आपको बताऊंगी हम किन किन टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप डेली बेसिस पे भी करंट अफेयर कवर नहीं कर पा रहे और हफ्ते में आप ये क्लासेस लगा लेते हैं, इस सेशन को अटेंड कर ले, तो भी आपका करंट अफेयर पर कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल मेरे पास इंग्लिश में, अगर आपको हिंदी में चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, मैं इसका हिंदी वर्जन भी आपको सेंड कर दूंगा। सेशन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपका सपोर्ट ही हमें स्टेबल बनाता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों में शेयर करें और ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, एग्जाम बिगिनर ऑफिशियल। वहीं पर आपको इस करंट अफेयर की PDF हिंदी इंग्लिश दोनों देखने के लिए मिलेगी और भी सारी चैनल से रिलेटेड आपको अपडेट्स वहीं पर देखने के लिए मिलती रहेगी। देखिए, आज का जो सेशन है वो है आपका 1 से 7 नवंबर के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो भी हाइलाइट्स है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम पहले नेशनल अफेयर से। सो नेशनल अफेयर हम कवर कर रहे हैं, इसमें हमें जो पहला देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है कि 5th एडिशन ऑफ 3 डेज लॉन्ग गंगा उत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज फ्रॉम 1 to 3 नवंबर इन वर्चुअल फॉर्मेट। यानी हाल ही में आपका 5th एडिशन गंगा उत्सव सेलिब्रेट किया गया 1 से 3 नवंबर के बीच में, वो भी वर्चुअल फॉर्मेट में। इसको जो हम जानते हैं दूसरे नाम से, वो है आपका नदी उत्सव के नाम से भी ये जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका गंगा उत्सव था वो 1 से 3 नवंबर के बीच में वर्चुअल फॉर्मेट में सेलिब्रेट किया गया 5th एडिशन को। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र हैज डेडिकेटेड द नेशन सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर एट लाल बहादुर शास्त्री नेशन एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मसूरी। देखिए, मसूरी में हमारा लाल बहादुर शास्त्री के नाम से एक एकेडमी है, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है, जहां पर IAS सेलेक्टेड IAS कैंडिडेट की ट्रेनिंग की जाती है। वहां पर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने वहां पर सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर की स्थापना की है। कौन से दिन में की है उन्होंने ये? 31 अक्टूबर 2021 को उन्होंने इसकी स्थापना की, जो कि बर्थ एनिवर्सरी कहलाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड एप्पल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, क्या आप बताया यहाँ पे कि जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार एप्पल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है वर्चुअल फॉर्मेट में। किन के द्वारा? हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर और लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनके द्वारा जम्मू कश्मीर में हाल ही में एप्पल फेस्टिवल को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया, वो भी वर्चुअली। नेक्स्ट है, हमारे श्री राजीव चंद्रशेखर इनॉग्रेटेड 10th इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ NIXI इन इंडिया। इट विल हेल्प इनहांसिंग एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन उत्तराखंड। दिस एक्सचेंज एट देहरादून नॉट ओनली विल बेनिफिट नेटिजियंस ऑफ देहरादून बट प्रमोट अराइवल फॉर मोर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड मोर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एट देहरादून। देखिए, देहरादून में हाल ही में श्री राजीव चंद्रशेखर, जो कि इंडियन मिनिस्टर है स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में, उन्होंने हाल ही में 10th इंटरनेट एक्सचेंज NIXI यानी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया को लॉन्च किया उत्तराखंड में देहरादून कैपिटल के अंदर। इससे क्या होगा कि आपका उत्तराखंड के अंदर यानी स्पेशली देहरादून के अंदर यहां पर आपको मोर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देखने के लिए मिलेगी, साथ ही साथ कंटेंट डिलीवरी भी वहां पर बेटर होगी। यानी ओवरऑल यहां पर उत्तराखंड के अंदर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी को और ज्यादा इन्हांस करने के लिए इस 10 संस्करण को श्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा इनोग्रेट किया गया। नेक्स्ट है, हमारा केरला इज सेलिब्रेटिंग इट्स 65th केरला पिरवी द फॉर्मेशन डे ऑफ द स्टेट। द स्टेट ऑफ केरला वाज क्रिएटेड ऑन 1st नवंबर 1956। देखिए, इसमें बताया है कि हाल ही में केरल के अंदर 65वां केरलवा पिरवी डे मनाया गया है, जो कि वहां के फॉर्मेशन डे के बारे में कहलाता है, स्टेट के फॉर्मेशन डे के बारे में। 1 नवंबर 1956 में केरल राज्य की स्थापना हुई थी, इसी उपलक्ष्य में केरल पिरवी डे मनाया जाता है, जो कि इस बार का 65वां था अपने आप में।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ हैज ऑब्जर्व द एनुअल सेकंड नेशनल ट्रिबल डांस फेस्टिवल 2021 एट द रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड एज ए पार्ट ऑफ द टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान ऑफ द स्टेट। देखिए छत्तीसगढ़ में सेकंड नेशनल ट्रिबल डांस फेस्टिवल मनाया गया है रायपुर के एक साइंस कॉलेज के अंदर, जिसको वहां के यानी स्टेट के टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान के हिस्से के रूप में भी देखा जा सकता है। हर साल यहाँ पे हमें नेशनल ट्रिबल डांस फेस्टिवल देखने के लिए मिलता है। इस समय ये आपके रायपुर साइंस कॉलेज में मनाया गया। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर सीएम ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर हैज लॉन्च द उत्तम बीज पोर्टल विच विल बी बेनिफिट द फार्मर ऑफ हरियाणा बाय प्रोवाइडिंग द क्वालिटी सीड्स विथ ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सीड्स प्रोड्यूसिंग एजेंसी एंड इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द सर्टिफाइड सीड्स। देखिए मनोहर लाल खट्टर जो कि सीएम है हरियाणा के, उन्होंने हाल ही में उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किया यानी उसको लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा, फार्मर्स को मिलेगा। वहां पे उनको क्वालिटी सीड्स मिलेगी, फार्मिंग गाइडेंस मिलेगी, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम के अंदर, ताकि प्राइवेट सीड जो प्रोड्यूसिंग एजेंसीज है और उनके बीच में फार्मर के बीच में एक अच्छा लिंकअप बन सके। तो ये एक उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है हरियाणा स्टेट के द्वारा। देखिए जो चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस है उस ट्रेन को, ये ना ट्रेन पहली ट्रेन बनी है साउथर्न रेलवे की जिसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन मिला है। नॉर्थर्न रेलवे में कई सारी ऐसे रेल है जिन्हें के पास आईएमएस सर्टिफिकेशन है, बट साउथ में जो साउथर्न रेलवे है वहां पर ये पहली ट्रेन बनी है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस जिसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में सर्टिफिकेशन मिला है, जहां पर आपको सेफ ट्रेवल देखने के लिए मिलेगा, कन्वीनियंट मिलेगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली ये ट्रेन बनी है, वर्ल्ड क्लास मेंटेनेंस इस ट्रेन को मिला है। तो चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री इन मुंबई महाराष्ट्र द ड्राइव इन थिएटर विल बी ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय द मल्टीप्लेक्स चैन पीवीआर लिमिटेड। द थिएटर हैज बीन लॉन्च इन पार्टनरशिप विद द रिलायंस रिटेल एंड मल्टीप्लेक्स चैन पीवीआर। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया है कि पीवीआर की जो मल्टीप्लेक्स चैन है उसके साथ मिलकर एक साइन किया है उन थिएटर्स को पार्टनरशिप में रन कराने के लिए। नेक्स्ट है नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन हैज इंक्रीज द प्राइस ऑफ द मैच बॉक्स फ्रॉम द 1 rupees टू 2 rupees पर बॉक्स। दिस विल बी इनटू कम इफेक्ट फ्रॉम द December 1, 2021। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मैच बॉक्स हैज बीन डन आफ्टर 14 इयर्स सिंस लास्ट इंक्रीज इन 2007 फ्रॉम 50 paisa टू 1 rupee। देखिए नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है भारत के अंदर एक, उसने हाल ही में डिसीजन लिया है कि वो जितनी भी मैच बॉक्स आपकी 1 rupee की आती है उसमें वो प्राइस इंक्रीज करके 2 rupee पर लेकर जाएगी। ये सब चीजें इफेक्ट करेगी मार्केट में 1 December से। इससे पहले भी सन 2007 में 50 paise से 1 rupee पर लाया गया था, अब ठीक 14 साल बाद फिर से इसको 1 rupee से 2 rupee पर ले जाया जा रहा है। किसके द्वारा, नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क ओन द स्पेसएक्स इनकॉर्पोरेटेड वोली ओन सब्सिडियरी इन इंडिया टू स्टार्ट द लोकल ब्रॉडबैंड ऑपरेशंस। स्पेसएक्स सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आर्म स्टारलिंग एम्स टू स्टार्ट द ब्रॉडबैंड सर्विस इन इंडिया फ्रॉम December 2022 विद अ 2 lakh एक्टिव टर्मिनल सब्जेक्ट टू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखिए जो स्पेसएक्स की सब्सिडियरी कंपनी है स्टारलिंक्स, उनका एम है इंडिया में December 2022 से यहाँ पर ब्रॉडबैंड सर्विस स्टार्ट कर देने की विद 2 lakh एक्टिव टर्मिनल्स, जिनकी परमिशन अभी गवर्नमेंट से ग्रांटेड होनी बाकी है। अब हम देख लेते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। इसमें हमारा पहला है यूनाइटेड स्टेट लॉ मेकर्स लीड बाय द कांग्रेस वूमेन कैरलिन बी मॉली द न्यूयॉर्क इंट्रोड्यूस ए बिल टू डिक्लेयर द दिवाली ए नेशनल हॉलीडे इन द कंट्री। द लॉ मेकर अनाउंस द दीपावली डे एक्ट इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। देखिए यूनाइटेड स्टेट में वाशिंगटन डीसी में जो लॉ मेकर यूनाइटेड स्टेट में लॉ मेकर्स है कांग्रेस वुमेन कैरलिन बी मॉली, उन्होंने हाल ही में न्यूयॉर्क से ये अनाउंसमेंट की है कि दीपावली वहां पर एक नेशनल हॉलीडे मनाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपने दीपावली डे एक्ट भी लागू किया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन हेल्थ रेगुलेटर्स हैव अप्रूव द वर्ल्ड फर्स्ट पिल टू ट्रीट द केसेस ऑफ द सिम्टोमेटिक COVID-19। देखिए ब्रिटेन के हेल्थ रेगुलेटर्स ने हाल ही में वर्ल्ड की पहली पिल यानी एक टैबलेट को अप्रूव दिया है जो कि COVID-19 के सिम्टोमेटिक जो सिम्टम्स होते हैं
उसमें वो काम आएगी। अब इसमें क्या किस तरह से वो काम आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी सेफ एंड इफेक्टिव एट द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ इन द पीपल विद द माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 हु आर एट द इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिजीज। देखिए उन पेशेंट में जिनमें हाई रिस्क रहता है डिजीज डेवलपिंग का, जो मिड टू मॉडरेट स्टेज में पहुंच जाते हैं कोविड-19 की, उन लोगों के लिए ये जो टैबलेट होने वाली है, ये यानी पिल जो होने वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन हैज सरपास एप्पल इंडस्ट्री टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेड कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए जो आपकी एप्पल इंडस्ट्री है वो माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री से अब पीछे रह चुके, यानी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन उसको अब क्रॉस कर गया है, किसमें, पब्लिकली ट्रेड कंपनी में, वहां पर वो मोस्ट वैल्यूएबल काउंट की जा रही है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन आपकी। किस तरह से यहां पे मेंशन है, एट द मार्केट क्लोज ऑन अक्टूबर 29 को देखा गया कि एप्पल ने जो स्टूड किया है वो 2.46 ट्रिलियन किया है अब तक का, और यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 2.49 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। तो यानी यहां पे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सरपास कर गई है आपकी एप्पल इंडस्ट्री को। नेक्स्ट है, भारत बायोटेक कोवैक्सीन हैज गॉट WHO अप्रूवल एज अ टेक्निकल एडवाइजरी टीम हैज रिकमेंडेड दैट द इंडियन मेड वैक्सीन फॉर एमरजेंसी यूज लिस्टिंग फॉर 18 इयर्स एंड अबव। हाल ही में भारत की बायोटेक कोवैक्सीन को WHO के द्वारा ग्लोबली वो मिल चुका है, क्या आपका सर्टिफिकेशन यानी अप्रूवल मिल चुका है कि अब इस मेडिसिन को आप एमरजेंसी यूज कर सकते हैं 18 ईयर्स से ऊपर के कैंडिडेट के लिए। अब बात कर लेते हैं हम एग्रीमेंट्स और MOU जो साइन हुए है इस पूरे हफ्ते में, उन सब पे हम ध्यान देंगे। यहाँ पे जो पहली न्यूज हमें देखने के लिए मिल रही है वो मिल रही है फ्लिपकार्ट की तरफ से, यानी फ्लिपकार्ट इंडिया हैज होम ग्रोवन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हैज साइन एज ए MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए फ्लिपकार्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या किया है, एक MOU साइन किया है, किस चीज के लिए, फॉर देयर एम्बिशियस दीनदयाल अत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन प्रोग्राम। देखिए इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन प्रोग्राम, उसको इन्हांस करने के लिए यानी उसको बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट ने रूरल डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया से एक AMU साइन किया है। उसमें वो किसकी हेल्प करेगी, टू हेल्प एम्पावर ऑफ लोकल बिजनेसेस सेल्फ ग्रुप्स स्पेशली दोज That are the lead by the woman। देखिए यहाँ पे ये जो AMU साइन हुआ है आपका फ्लिपकार्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बीच में, इसमें वो हेल्प करने वाले हैं स्पेशली जो लोकल बिजनेस वाले वेंडर्स हैं, लोकल आपके बैकवर्ड एरियाज में हो या आपका अर्बन एरियाज में हो, उन सबको ये हेल्प करने के लिए। साथ ही साथ में कुछ ऐसे ग्रुप NGO जो वुमेन्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट पर सेल करने के लिए ये एक MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC हैज पार्टनर्ड विद द ट्रू कॉलर इंडिया टू प्रोवाइड ए पैसेंजर विद ग्रेट ट्रस्ट इन कम्युनिकेशन। दिस पार्टनरशिप एम्स टू रिड्यूस द फ्रॉड इन द रेलवेज। देखिए इंडियन रेलवे ने और ट्रू कॉलर जो ऐप आती है आपकी, ट्रू कॉलर आईडी ऐप आती है एप्लीकेशन, वो आप प्ले स्टोर से भी देख सकते हो, उन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है जहां पर वो पैसेंजर को एक ट्रस्टेड कम्युनिकेशनल और फ्रॉड जो रेलवे में होते हैं उन सबको कम करने के लिए ट्रू कॉलर और इंडियन रेलवे के बीच में एक साइन हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक हैज पार्टनर विद द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च द कोटक क्रेडिट कार्ड ऑन द रुपया नेटवर्क नेम द वीर फॉर द इंडियन आर्म फोर्स लाइक आर्मी नेवी एयरफोर्स पर्सनल इन इंडिया 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस डे द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड टू बी इंट्रोड्यूस बाय द KMBL ऑन द रुपया नेटवर्क इज द वीर क्रेडिट कार्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द आर्म फोर्सेज। देखिए भारत कि 75वीं आजादी की वर्षगांठ पर KMBL यानी कोटक महिंद्रा बैंक ने NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है वीर। ये स्पेशली आर्मी नेवी और एयरफोर्स पर्सनल के लिए है जो कि
उनको ही ये सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा रुपया नेटवर्क पेमेंट मेथड पर। आगे देख लेते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की अब हम बात करते हैं, तो इसमें है हमारी पहले अमित राजन, जो कि उन्होंने एक ऑथर की है बुक जिसका नाम रखा है जॉन लॉन वांडर ऑफ द हिंदुस्तान सरेंडर ऑफ द हिंदुस्तानी लॉयर फॉर द रानी। देखिए एक स्टोरी है ये जॉन लॉन की, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे, लॉयर थे, वो सेटल हो गए थे कहाँ पर, इंडिया में 19th सेंचुरी में, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंगेंस्ट कितने सारे केसेस लड़े, साथ ही साथ में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को भी लीगल बैटल में के अंगेंस्ट उन्होंने प्रेजेंट किया। तो अमित राजन के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है जॉन लॉन्ग वार्डर ऑफ हिंदुस्तानी सरेंडर ऑफ हिंदुस्तानी लॉयर फॉर द रानी। नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन एंड रियून ऑथर है सुधा मूर्ति, हैज पब्लिश हर न्यू बुक टाइटल द सैग विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम द मिथोलॉजी। यानी इन्फोसिस फाउंडेशन की जो ऑथर है सुधा मूर्ति, उनके द्वारा हाल ही में इसी हफ्ते एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है द सैग विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम द मिथोलॉजी। ये उनकी फिफ्थ एंड लास्ट बुक है अनयूजुअल टेल्स एंड मिथोलॉजी सीरीज की। अब आगे देख लेते हैं हम अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन इस हफ्ते क्या क्या रहे हैं। तो इसमें हमें पहले न्यूज देखने के लिए मिल रही है साउथर्न अफ्रीकन प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट डेमन गोल्ड हैज वन द 21 बुकर प्राइज फॉर द प्रॉमिस। देखिए जो साउथ अफ्रीका के एक प्ले राइटर है, नॉवेलिस्ट है वो, उनका नाम है डेमन गोल्ड, उन्होंने हाल ही में 21 बुकर प्राइज जीता है अपनी कौन सी बुक के लिए, द प्रोमिस बुक के लिए। आगे देख लेते हैं हम डिफेंस न्यूज क्या आ रही है इस वीक की। उसमें हमें पहला देखने के लिए मिल रहा है द 7th इंडियन नेवी फेरिगेट ऑफ द P-1130.6 क्लासेस वाज लॉन्च एट द यांत्रा शिपयार्ड एट कालिंगर्ड इन रशिया। देखिए इंडियन नेवी का सातवां फेरिगेट जिसका कोड है P-1135.6 क्लास लॉन्च कर दिया गया है यांत्रा शिपयार्ड पर, जो कि कालिंगर्ड यानी रशिया में आता है। इसका जो नाम रखा है, फॉर्मली नेम इसका तुलसी रखा है, और जो तुलसी विल बी कमीशन इनटू द इंडियन नेवी इन द मिड ऑफ 2023। देखिए 2023 से ये इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा या ऑपरेशन में आ जाएगा। इंडियन एयरफोर्स एंड डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO कैरी आउट द फ्लाइट टेस्ट ऑफ एन इंडिजिनसली डेवलप स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। देखिए DRDO और इंडियन एयरफोर्स मिलकर एक वेपन को टेस्ट करने जा रहे हैं। द टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन द सैटेलाइट नेविगेशन एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर हैव बीन सक्सेसफुली टेस्ट। इसी टेस्टिंग के अंदर सैटेलाइट नेविगेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी टेस्ट किए जा चुके हैं सक्सेसफुली। आगे देख लेते हैं ए टोटल ऑफ 84 एयरफोर्स पर्सनल टुक ए पार्ट इन इंटरनेशनल मिलिट्री कॉम्बैट एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021। यानी भारत की साइड से इंडियन एयरफोर्स में से 84 पर्सनल ने इंटरनेशनल मिलिट्री एक एक्सरसाइज होने जा रही है जिसका नाम है ब्लू फ्लैग, उसमें पार्टिसिपेट किया है। ब्लू फ्लैग 2021 जो कि इसराइल के ओवाडा एयरबेस पे होने जा रहा है, वहां पर इसका ब्लू फ्लैग 2021 का जो थीम रहने वाला है इस बार का, वो रहने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट इन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन सिनेरियोज। अब आगे देख लेते हैं हम अपॉइंटमेंट और रेजिनेशंस इस वीक के क्या क्या रहे हैं। इसमें हमें पहली न्यूज देखने के लिए मिल रही है बार्क्लेज न्यू CEO इज ए CS वेंके कृष्णानंद एन ए इंडियन अमेरिकन एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर टू होल्ड दैट पोजिशन। देखिए बार्क्लेज जो कि एक मल्टीनेशनल यूनिवर्सल बैंक है, उसके नए CEO अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है CS वेंके कार्टा कृष्णानंद, जो कि इंडियन अमेरिकन एंड फर्स्ट पर्सन है इस पोजिशन को होल्ड करने वाले वेंकेटा कृष्णानंद। नेक्स्ट है इंडस्ट्री चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI named Arun Chawla as its new director general। देखिए जो FICCI है उसने हाल ही में अपने नए director general को appoint किया है जिनका नाम है Arun Chawla, जो कि currently deputy secretary general of the chamber थे, जो कि यहीं पे deputy secretary general of the chamber थे, अब वो यहाँ पर new director general appoint किए गए हैं FICCI में।
नेक्स्ट है बोर्ड मेंबर ऑफ द रिलायंस जियो इन्फोकॉम, रिलायंस रिटेल एंड रिलायंस फाउंडेशन ईसा अंबानी वॉज अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द ट्रस्टी ऑफ द पोर्टुगेज स्मिथसोनियंस एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट। देखिए जो रिलायंस जियो की ईशा अंबानी है उनको अपॉइंट किया गया है बोर्ड ऑफ द ट्रस्ट नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट की अगले 4 साल के लिए। नेक्स्ट है द सेंटर हैज अपॉइंटेड द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अशोक भूषण एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल फॉर द पीरियड ऑफ द 4 years अंटिल ही अटेंड्स द एज ऑफ 70 years विच एवर इज द अर्लिएस्ट। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस थे अशोक भूषण को उनको नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल के अगले 4 साल के लिए या जब तक वो 70 साल के नहीं हो जाते। इन दोनों कंडीशन में से जो भी पहले हो तब तक का उनको वहां पर चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल में। अब आगे देख लेते हैं हम रैंक्स एंड रिपोर्ट्स क्या क्या रही है इस हफ्ते की। देखिए QS यानी क्वाकर्लिंग सिम्डम्स उसने एक अपनी रिपोर्ट यानी एक लिस्ट जारी की है जो कि 2022 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के ऊपर एक लिस्ट जारी की है जिसमें नेशनल यूनिवर्सिटी यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने टॉप किया है यानी फर्स्ट रैंक पे रही है फोर्थ ईयर इन द रो जो कि पिछले 4 साल से टॉप पे ही चल रही है। इसके बाद जो सेकंड पोजीशन की है वो चाइना की पिकिंग यूनिवर्सिटी ने सेकंड पोजीशन अचीव की है इस रैंकिंग में। इसके बाद नयन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इन द सिंगापुर थर्ड पोजीशन पर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ द हांगकॉन्ग इन हांगकॉन्ग वो भी थर्ड पोजीशन पर देखने के लिए मिली है। अगर बात करें यहाँ इंडिया की तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी IITB वो 42 पोजीशन पे यानी 42वीं पोजीशन पे देखने के लिए मिला और IIT दिल्ली वो 45th पोजीशन पे देखने के लिए मिला है। इसी के साथ साथ में यहाँ पे IIT मद्रास जिसने लास्ट ईयर 50 पोजीशन पे था वो इस साल इस रैंकिंग में वो 54th पोजीशन पे पहुंच चुका है। यहाँ पर इंडियन जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो टोटल 118 यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू पार्टिसिपेट किया गया था, चाइना के थ्रू वहाँ पे 126 यूनिवर्सिटी के थ्रू पार्टिसिपेट किया गया था। नेक्स्ट आगे है द हॉर्न इंडिया एडल गिव है जॉइंटली रिलीज द एडल गिव हॉर्न इंडिया फिलंथ्रोपी लिस्ट 2021। देखिए एक एडल गिव हॉर्न इंडियन फिलंथ्रोपी लिस्ट होती है जो कि जारी की गई है उसमें जो टॉप किया इट वॉज अ टॉप बाय द अजीम प्रेम जी द फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ द विप्रो। विप्रो के जो चेयरपर्सन है अजीम प्रेम जी उनके द्वारा उसको टॉप किया गया है। बेसिकली जो ये लिस्ट है एडल गिव हॉर्न ये एक डोनेशन रैंकिंग बेस दिखाती है कि कहाँ किस कंट्री से किसने कितना डोनेट किया। तो यहाँ पे द डोनेशन ऑफ द 9,713 करोड़ ड्यूरिंग द फिस्कल ऑफ 2021 जो कि डोनेट किया गया अजीम प्रेम जी के द्वारा 2020-21 के बीच में 9,713 करोड़ यानी अगर आप पर डे की बात करो तो 27 करोड़ पर डे डोनेट किया है उन्होंने। इसके बाद जो HCL है जो HCL के चेयरपर्सन है शिव नादर वो अगेन सेकंड पोजीशन पे आई है डोनेशन में और उसके बाद जो यहाँ पे मुकेश अंबानी चेयरपर्सन ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री है वो थर्ड पोजीशन पे आई है डोनेशन के बेस में। तो यहाँ पे उनके द्वारा 577 करोड़ मुकेश अंबानी के द्वारा डोनेट किए गए फिस्कल ईयर 2021 में और शिव नादर जो कि HCL के चेयरपर्सन उनके द्वारा 1263 करोड़ पे डोनेट किए गए जो कि वो सेकंड पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम ऑबिटरीज कौन कौन सी यानी श्रद्धांजलि कौन कौन सी रही इस हफ्ते की। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार पास अवे ड्यू टू द फैटल कार्डियक अरेस्ट, ही वाज द सन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर राजकुमार। देखिए हाल ही में कन्नड़ के जो सुपरस्टार थे पुनीत राजकुमार वो उनका निधन हो गया है कार्डियक अरेस्ट के चलते जो कि एक लेजेंडरी एक्टर राजकुमार राव के बेटे थे जिनको ही वॉज नोन एज द फैंस एट द अप्पू के नाम से इनके इनके फैन इनको बुलाते थे। ऑस्ट्रेलियन लीजेंड एलन डेविनसन हैज पास अवे द बॉलिंग ऑलराउंडर हु हैज मेड हिज टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट द इंग्लैंड इन 1953 रिप्रेजेंटेड ऑस्ट्रेलिया 44 टाइम्स इन द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट। देखिए ऑस्ट्रेलियन लीजेंड एलन डेविनसन का हाल ही में निधन हो गया है जो कि ऑलराउंडर थे। उन्होंने एक टेस्ट से डेब्यूट किया था इंग्लैंड के खिलाफ 1953 में और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया है 44 बार। अहमद शाह
अहमद हाजी द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द अफगानिस्तान एंड ए री ओवन जिहादी लीडर पास अवे एट द एज ऑफ 77 इन काबुल अफगानिस्तान। देखिए अहमद शाह अहमदजाई जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अफगानिस्तान के, उनका भी हाल ही में इसी हफ्ते हमें निधन देखने के लिए मिला, जो कि 77 ईयर्स ओल्ड के थे, काबुल अफगानिस्तान में उनका निधन हुआ। आगे हम देख लेते हैं स्पोर्ट न्यूज़ क्या क्या रही है इस हफ्ते की 1 से 7 नवंबर के बीच की। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है इंडियन बॉक्सर आकाश कुमार मैनेज टू क्लिंच द ब्रॉन्ज मेडल एट द 2021 AIB मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑन नवंबर 5th 2021 एट द बेलग्रेड इन सर्बिया। देखिए जो इंडियन बॉक्सर आकाश कुमार है, उन्होंने सर्बिया में हाल ही मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे वो उन्मुख चंद हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू साइन अप फॉर द बिग बैश लीग एज ही इज द सेट टू फीचर इन द मेलबर्न रीजेंस साइड अपकमिंग एडिशन। देखिए उन्मुख चंद जो है वो पहले इंडियन मेल क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है सक्सेसफुली बिग बैश लीग में, जो कि आपकी मेलबर्न में होने जा रही है। इंडियन ग्रैंड मास्टर पी इनियान हैज वन द 5th रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट हेल्ड एट सर्बिया। देखिए जो 5th रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट हुआ है सर्बिया में, उसमें पी इनियान जो ग्रैंड मास्टर इंडिया के, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन अचीव की है। इसके बाद जो सेकंड रनअप रहे हैं वो रहे हैं मकरीना रुदिका जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो अपने थर्ड पोजिशन जिन्होंने अचीव किया वो है इंडियन प्लेयर VS रघुल, उन्होंने यहाँ पे थर्ड पोजीशन अचीव की। इसके बाद जो फोर्थ पोजीशन पे रहे हैं वो भी इंडियन मास्टर है S नितिन प्लेस फोर्थ पोजीशन पे रहे। सो जो फर्स्ट पोजीशन पे पी इनियान रहे वो सोलविक ग्रैंड मास्टर है भारत के, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और अगर बात करें हम उनकी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में रेटिंग की तो वो उनकी 2556 यानी 2556 उनकी रेटिंग है इस समय। नेक्स्ट देख लेते हैं द जम्मू कश्मीर टीम फॉर द डीफ क्लिंच फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप हेल्ड एट द पेरिस वर्सेस फ्रांस। देखिए जम्मू कश्मीर की टीम ने फर्स्ट पोजीशन अचीव की है वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप जो पेरिस में कराया गया है फ्रांस के अंदर, उसमें जम्मू एंड कश्मीर की टीम को फर्स्ट पोजिशन मिली है। आगे देख लेते हैं हम समिट एंड कॉन्फ्रेंस इस हफ्ते कौन कौन सी रही है। इसमें पहली न्यूज हमें देखने के लिए मिल रही है द G20 ग्रुप ऑफ द 20 समिट वॉज हेल्ड इन द रोम इटली ऑन अक्टूबर 30 and 31, 2021। यानी जो G20 सम्मेलन होता है यानी मीटिंग समिट होती है वो इस बार 30 और 31 अक्टूबर को रोम इटली में कराई गई, जो कि इट वॉज अ 16 मीटिंग ऑफ द G20 ग्रुप। ये 16वीं मीटिंग थी G20 ग्रुप की अब तक की। ये द मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रगाई। देखिए ये जो मीटिंग हुई है ये चेयरमैनशिप यानी इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रगाई की चेयरमैनशिप के अंडर में कराई गई थी। नेक्स्ट है एड्रेसिंग द COP26 ग्लासगो क्लाइमेट समिट हेल्ड इन स्कॉटलैंड। देखिए इस बार की जो COP26 ग्लासगो क्लाइमेट समिट थी वो इस बार स्कॉटलैंड में हुई। वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट द इंडिया विल रीच द नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय द 2070। यहां पे आपके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट अचीव कर लेगी। पीएम मोदी स्ट्रेस ऑन ए 5-point प्लान और पंचमित्र टू फाइट द डिवेस्टिंग इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज। यहां पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 5 पॉइंटों पर भी डिस्कस किया जिसको पंचामित्र बोलते हैं, जिससे आप ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। मोर देन 120 वर्ल्ड लीडर्स वर प्रेजेंट एट द COP26 ग्लासगो क्लाइमेट समिट। ये जो इस बार की COP26 ग्लासगो क्लाइमेट समिट थी इसमें 120 से ज्यादा देश के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया इज द लास्ट ऑफ द वर्ल्ड मेजर कार्बन पोल्यूटर्स टू अनाउंस इन नेट जीरो टारगेट। देखिए इंडिया जो है कि वो एक बड़ी कंट्री है, यहाँ पे ये मेजर कंट्री है जो कार्बन उत्सर्जित करती है। यहाँ पर इन्होंने जो टारगेट लिया है नेट जीरो पोल्यूशन का यानी कार्बन का, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक इतनी बड़ी इकोनॉमी नेट जीरो का टारगेट रख रही है कार्बन इमिशन का, तो ये देखने के लिए यहाँ मिला।
आगे देख लेते हैं श्री हरदीप सिंह पुरी चेयर द वैलिडेट सेशन ऑफ द 14th एडिशन अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस इन 2021। देखिए हाल ही में जो 14th एडिशन अर्बन मोबिलिटी इंडिया है यानी UMI उस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया है हमारे श्री हरदीप सिंह पुरी ने। उन्होंने ही प्रेजेंटेड द अवार्ड टू द स्टेट सिटी विनर्स फॉर द एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट। उन स्टेट और उन सिटीज को उन्होंने अवार्ड किया जो एक्सीलेंस रहे हैं अर्बन ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि डिफरेंट कैटेगरीज थी, डिस्ट्रीब्यूट सर्टिफिकेट्स, उन्होंने सर्टिफिकेट्स भी उनको दिए। एग्जीक्यूटिव द प्रोग्राम इन द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रॉफीज फॉर द स्मार्ट मूव, यानी इस स्मार्ट मूव कैंपेन के लिए उनको ट्रॉफीज, अवार्ड, सर्टिफिकेट्स तक दिए गए जो सिटीज और जो स्टेट इस 4th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडियन में कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट आए हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं स्कीम एंड कमेटी न्यूज का क्या रही है इस वीक की। तो इसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अनाउंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द बेनिफिट ऑफ द आयुष्मान CAPF हेल्थ केयर स्कीम फॉर द पर्सनल ऑफ द ऑल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। देखिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के लिए गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक आयुष्मान CF हेल्थ केयर स्कीम चल रही है, जिसमें जो CF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पर्सनल्स हैं उनके फैमिलीज और उनकी ड्यूटी के रहते हुए जितनी भी मेडिकल इमरजेंसीज होती है वहां पे उन लोगों को हेल्प किया जाता है। तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस स्कीम को अब एक्सटेंड करने जा रही है। नेक्स्ट है हमारा द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अर्थ साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑफिशियली लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट मेन ओशियन मिशन कॉल्ड द समुद्रयान प्रोजेक्ट एट द चेन्नई। तो यहाँ पे जो हमारे अर्थ साइंस के मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया है इंडिया का पहला मैन्ड ओशन मिशन जिसका नाम है समुद्रयान प्रोजेक्ट, जो कि चेन्नई से लॉन्च किया गया है। द यूनिक ओशन मिशन एम्स टू हैव ए डीप अंडर वाटर मेन व्हीकल फॉर कैरिंग आउट सबसी एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पे इस यूनिक ओशन मिशन का जो एम रहेगा वो रहेगा डीप अंडर वाटर यानी गहराई तक व्हीकल्स यानी कैरिंग आउट द सबवी एक्टिविटीज को लाना। विद द टेक्नोलॉजी इंडिया ज्वाइंस द इलाइट क्लब ऑफ द नेशन सच एज द USA, रशिया, जापान, फ्रांस, चाइना टू हैव ए सच अंडर वाटर व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने एक इलाइट क्लब ज्वाइन किया है जो कि जिसके मेंबर है ऑलरेडी USA, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना। आगे देख लेते हैं द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन अमित शाह लॉन्च द डेयरी शक्कर स्कीम एट द आनंद गुजरात ड्यूरिंग ए फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय अमूल टू सेलिब्रेट द 75th फाउंडेशन ईयर ऑफ अमूल। देखिए जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने डेयरी शक्कर स्कीम लॉन्च की है एट आनंद जो कि गुजरात में आता है, वहां पर अमूल का 75th फाउंडेशन ऑफ ईयर मनाया गया था, स्थापना दिवस, 75वीं स्थापना दिवस मनाई गई थी अमूल की। उस उपलक्ष्य में अब गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा डेयरी शक्कर स्कीम को लॉन्च किया गया है। द टोटल आउटले ऑफ द डेयरी शक्कर स्कीम इज ए 5,000 करोड़। यहाँ पर इनका जो एक कैपिंग है इन्वेस्टमेंट की जो वो है 5,000 करोड़ इस स्कीम के अंडर, डेयरी शक्कर के स्कीम के अंडर। द स्कीम विल इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। जो ये स्कीम है ये इंप्लीमेंटेड होगी यानी लागू की जाएगी नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के आता है। अब आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज क्या थे इस वीक के। तो यहाँ पे जो हमें पहला देखने के लिए मिल रहा है कि इंडिया सेलिब्रेट आयुर्वेद डे एवरी ईयर ऑन द ओकेशन ऑफ द धनतेरस। दिस ईयर आयुर्वेद डे इज सेलिब्रेटेड ऑन November 2nd। देखिए हर साल की तरह धनतेरस पर भारत के अंदर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है जो कि इस साल 2nd November को मनाया गया। द डे इज मार्क एट द सेपरेट अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेद इन आवर डे लाइफ। इस बार का जो आयुर्वेद दिवस था उसमें जो ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंस थी वो थी आयुर्वेद के हमारे दैनिक जीवन में महत्व को बताने को लेकर। द थीम ऑफ द नेशनल आयुर्वेद डे 2020 आयुर्वेद फॉर द पोषण। देखिए इस साल के आयुर्वेद का उत्सव का जो थीम था वो था आयुर्वेद फॉर द पोषण। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये आप नोट कर लेना कि यहाँ पे जो इस साल का आयुर्वेद डे मनाया गया है 2nd November को, उसका जो थीम था वो था आपका आयुर्वेद फॉर पोषण। नेक्स्ट देख लेते, द नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व एनुअली इन इंडिया ऑन November 7th। देखिए हर साल इंडिया के अंदर नेशनल कैंसर डे अवेयरनेस डे मनाया जाता है, यानी इसको बोलेंगे हम राष्ट्रीय
कैंसर जागरूक दिवस, जो कि हर साल 7 नवंबर यानी 7 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे आपको सेपरेट द अवेयरनेस ऑन द कैंसर, यहाँ पर कैंसर पर जागरूकता देने के लिए, उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट को के प्रति जागरूक करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैंसर इज द सेकेंड लीडिंग द कॉज ऑफ द हेल्थ ग्लोबली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के द्वारा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो डेथ का कारण है डिजीज में, वो है सेकेंड नंबर पर कैंसर। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंटिंग एक्सप्लोनेशन ऑफ द इन्वॉल्वमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। इट इज़ एन इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन 6 नवंबर। देखिए हर साल 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रिवेंटिंग एक्सप्लोनेशन ऑफ द इन्वॉल्वमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे वाज ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 5 नवंबर। देखिए हर साल 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिसका जो मोटिव रहता है द सेलिब्रेटेड टू सेपरेट द अवेयरनेस अमंग द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इन द मैटर टू रिलेटेड द डेंजरस सुनामी। देखिए खतरनाक सुनामी लहरों से बचने के लिए ही इन सब पे महत्व दिया जाता है। तो वर्ल्ड में 5 नवंबर को आपका सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। सो देखिए ये था आज का करंट अफेयर, जो मैं पिछले 1 से 7 तारीख के बीच का यानी वीकली करंट अफेयर 7 दिन का। हो सकता है कि मेरी करंट अफेयर पे एक्सप्लेनेशन अप्रोच अभी अच्छी ना हो, बट जैसे जैसे मैं क्लासेस लेता जाऊंगा वैसे ही मेरी करंट अफेयर पे एक्सप्लेनेशन अप्रोच अच्छी होती चली जाएगी। तो इसीलिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं इसकी PDF वहीं पर ड्रॉप करूंगा। साथ में आपकी कोई भी क्वेरी हो, करंट अफेयर से रिलेटेड हो, हिंदी में आपको जानना हो, हिंदी की PDF भी मैं वहीं बता दूंगा, कमेंट करके मुझे बता देना। साथ ही में आपकी किसी भी अदर प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, कोई भी सिलेबस क्वेरी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह नई अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय।